हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशूज जायका। मैं हूँ निशु। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की मीठी चटपटी चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बड़ों तो पसंद करते ही हैं, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो इसे ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले गैस ऑन करें, उस पर चढ़ाएंगे एक पैन। पैन में ऐड कर लें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसे गर्म होने दें। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे 2 तेज़पत्ते, 2 लाल मिर्च इस तरह से तोड़ कर डालें। फिर इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच पंचफोरन मसाला। इसमें होता है जीरा, मेथी, अजवाइन, कलौजी, सरसों और सौंफ, और इसे थोड़ा सा चटकने दें। फिर इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक डालने से चटनी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ ये सब भून गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 kg टमाटर। टमाटर को अच्छे से धोकर इस तरह से टुकड़ों में काट ले और फिर डाले। यहाँ पे आप पका हुआ टमाटर ले, जिससे कि चटनी जो है वो मीठी बनेगी। और इसे चलाते हुए हम 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे इस तरह से ढककर, जिससे कि टमाटर गल जाए। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो गलने लगा है, तो इसे चलाते हुए अच्छे से मैश कर ले। और अब इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिलाते हुए फिर से हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, गल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो पक गया है और थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी की जगह पे आप गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और तब तक पकाएं जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे पका लें। फिर इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा किशमिश। किशमिश की जगह और भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिला लें। तो ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे रोटी, चपाती, पूरी, पराठे के साथ सर्व करें। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इस तरह से चटनी जरूर बनाएं। अब इसमें ऐड कर ले आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर डालें और इसे मिला लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3-4 मिनट के बाद चटनी जो है वो अच्छे से पक गई है और तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और इसे मिला लें अच्छे से, और गैस को हम अब ऑफ कर देंगे। तो ये चटनी तैयार है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसे सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से चटनी एक बार ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। Thanks for watching.